श्री राम का हूं भक्त मैं, रुद्र का अवतार हूं, अंजनी का लाल हूं मैं, दुर्जनों का काल हूं, साधु जन के साथ हूं मैं, निर्बलों की आस हूं, सद्गुणों का मान हूं मैं, हां मैं हनुमान हूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ DharmicStory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर वन पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते या कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान जी का भव्य पावन धाम हनुमान गढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है अयोध्या, वृंदावन, उज्जैन या ऋषिकेश। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मैं यूपी के लखनऊ जिले का रहने वाला हूं। आज मैं हनुमान जी से जुड़े अपने सच्चे अनुभव को शेयर करना चाहता हूं। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। साल 2016 में उन्होंने मकान बनवाने के लिए अपने ऑफिस से लोन लिया था। जमीन हम 2005 में ही ले चुके थे, तो मकान को बनवाना शुरू किया गया। जयेश भाई, यहां से परेशानी शुरू हुई। मेरे पापा ने जब मकान बनवाना शुरू किया तो उनको लगा कि जितना लोन लिया है उतने में घर बनवाने का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारे मकान का एरिया 2000 स्क्वायर फिट का है, जिसके कारण जितना लोन उन्होंने लिया था उसमें काम पूरा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अपने पीएफ के भी पैसे निकाल लिए और वो भी मकान के काम में लगवा दिए। इसके बाद मेरे पापा की पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाती थी। सिर्फ 2000 रुपए महीने के मिलते थे उन्हें। पापा ने किसी तरह 3 महीने में एक बार अपनी किश्त रुकवाते थे, तब जाके कहीं घर का खर्चा चलता था। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि पापा के ऑफिस में ही लोन का सिस्टम है, जिसमें की सोसाइटी से ही उन्होंने लोन ले लिया था। पापा का रिटायरमेंट भी जल्दी ही होने वाला है, इसलिए सोसाइटी वाले उनकी पूरी सैलरी काट रहे थे, जिससे कि सारी किश्त रिटायरमेंट से पहले ही पूरी अदा हो जाए। जयेश भाई, 2 साल तो किसी तरह ऐसा ही चला, फिर पैसों की दिक्कत आने लगी, क्योंकि पापा की पूरी सैलरी किश्त में ही चली जाती थी। पापा हर 3 महीने में किश्त रुकवा कर किसी तरह घर चला रहे थे, लेकिन 3 महीने घर चलाना वो भी 1 मंथ की आधी सैलरी में बहुत कठिन था। एक बार पापा को 3 महीने पर भी सैलरी नहीं मिली। अब तो घर में रोज मम्मी पापा के बीच झगड़े शुरू हो गए। मम्मी कहते थे, जब आपको पता था तो आपने इतना लोन क्यों लिया कि जिसमें पूरी सैलरी चली जाती है। जयेश भाई, हमारे पापा ने भी पहली बार ही घर बनवाया था, उन्हें भी नहीं पता था कि इतना पैसा लग जाएगा। अब हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, किससे पैसे मांगे। ऐसे ही किसी तरह मम्मी और मैंने कुछ पैसे जोड़े थे, उससे कुछ दिन निकल गए। उसके बाद घर के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। मम्मी रोती रहती थी कि अब क्या होगा। हमारी फैमिली में भी सब ऐसे ही है, सब सुख के साथ ही है, दुख का कोई नहीं। जयेश भाई, मैं जब 10 साल का था तब से हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, लेकिन रोज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता था और महीने में 1-2 बार नॉनवेज भी खा लिया करता था। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो हनुमान जी का चमत्कार वाला आपका वीडियो दिखा। मैंने तुरंत उसको प्ले किया और पूरा वीडियो देखा। जयेश भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने 2 दिनों में ही आपके सारे वीडियोज देख लिए और फिर मेरी हनुमान जी के प्रति ऐसी आस्था जागी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने 21 दिन श्री हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लिया और प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, आप ही कुछ रास्ता निकालो, हम किसके आगे हाथ फैलाएं, प्लीज हमें रास्ता दिखाएं। उन दिनों में पापा के एक रिलेटिव है जो कि LIC ऑफिस में है। पापा ने उनसे बात की
कहा, आप हमारा लोन सैंक्शन करवा दीजिए। पापा ने उन्हें सारी कंडीशन बता दी थी कि वो ऑफिस से इतना लोन ले चुके हैं। जयेश भाई, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने कहा ठीक है, लोन तो हो जाएगा, आपको सैलरी स्लिप और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। पापा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर LIC ऑफिस पहुंच गए। वहां उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। फिर उन्हें एक गारंटर का फॉर्म दिया गया जिसमें लिखा था कि अगर आप EMI किसी वजह से नहीं दे पाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उस गारंटर पर होगी। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि गारंटी, वो भी 25 लाख के लोन की, कौन लेगा, कौन ऐसे ही साइन करेगा भला। फिर एक दिन मेरे मामा मामी घर आए थे। उन्होंने कहा मेरे एक पहचान वाले हैं, उनसे बात करेंगे। उस गारंटर फॉर्म में यह भी लिखा था कि जो भी गारंटी लेगा उसकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, उसकी उम्र 25 से 40 के बीच होनी चाहिए और सैलरी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो उस फॉर्म पर साइन कर सकता है। मामा मामी ने पापा से वो फॉर्म ले लिया और अपने रिलेशन में जिनकी जॉब थी उनसे बात की। जयेश भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मामी कह रही थी कि जिनसे उन्होंने साइन करवाया उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे ही साइन कर दी, जबकि मामी उनको लोन का अमाउंट और बाकी सब इंस्ट्रक्शंस बता चुकी थी। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन उन्होंने साइन किया वो दिन मेरे संकल्प का आखिरी दिन था, यानी कि 21वां दिन। जयेश भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। मैं उस दिन खूब रोया और प्रभु को धन्यवाद कहा और उन्हें चोला चढ़ाया। इसके कुछ ही दिनों बाद लोन सैंक्शन का मैसेज आ गया। अब मेरे फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन दूसरे जगह से, सैंक्शन का क्या मतलब? क्योंकि सोसाइटी में 3 साल ही थे उनके रिटायरमेंट के, तो पापा की पूरी सैलरी कट रही थी जिससे रिटायरमेंट से पहले ही सारी EMI कट जाए। लेकिन LIC में 15 साल का समय मिला था तो पापा की आधी सैलरी ही LIC में कटेगी। लोन सैंक्शन के बाद पापा ने अपने सोसाइटी का पूरा पैसा भर दिया तो पूरी सैलरी उनके अकाउंट में आने लगी, जिसमें से आधी LIC की EMI के लिए कट जाती है और बाकी आधी से आराम से हर महीने का खर्चा चल जाता है और उसमें पैसा भी बच जाता है। मैं अपने प्रभु का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उन्होंने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। और हाँ, जिन्होंने लोन पास करवाया उन्होंने कहा कि आज तक LIC ने किसी का एक रुपया भी नहीं पास किया जिन्होंने पहले से ही कहीं लोन लिया हुआ हो, रिकॉर्ड एकदम क्लियर हो, तब जाकर कहीं लोन पास होता है। और आपने इतना बड़ा लोन अमाउंट पहले से लिया था फिर भी कैसे पास हो गया, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा था। मेरे बॉस एक बार में ही मान गए लोन पास करने के लिए, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे 25 साल की नौकरी में। ये सब सुनकर मैं चुप था और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। जयेश भाई, आपका भी धन्यवाद, आज जो हमें खुशी मिली है उसकी वजह आप भी है। बेशक मैं प्रभु के चरणों में गया, किंतु मार्ग दिखाने वाले तो आप ही थे। बजरंगबली आप और आपके पूरे परिवार की हर मनोकामना पूरी करें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है या उन्होंने कभी चमत्कार या उनकी कृपा को महसूस नहीं किया, उन सब से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे और पवित्र मन से श्री हनुमान जी के चरणों में जाकर देखो, दुनिया की हर खुशी हर सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक भक्त अपना दुख लेकर प्रभु की शरण में जाता है और सच्चे दिल से मदद की गुहार लगाता है तो प्रभु उसे कभी निराश नहीं करते। और हमारे बजरंगबली तो अपने भक्त की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, श्री मेहदीपुर बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या राजस्थान। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है राजस्थान। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया, उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अंशुल रघुवंशी, निशांत बोरा और सबित्री जैना।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुँचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।